गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्टिकल सब्सट्रैक्शन. वर्टिकल सब्सट्रैक्शन किस टाइप से होता है? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ही, ऊपर नीचे वर्ड्स लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, इनको हम सब्सट्रैक्शन करते हैं. हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि लाइन स्ट्रेट लाइन में लिखा होता है, जैसे 2 - 1 = 1, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया. ठीक है, दिस इज ओनली द डिफरेंस. तो वर्टिकल सब्सट्रैक्शन हम आप कर रहे हैं. एक बार ये ध्यान से देखिए, सेम वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है. ऑलरेडी पहले वाली क्लासेस में ही बताया, नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं. अगर आपके नंबर लाइन एक्यूरेट आपने बना रखी है तो उसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सी द क्वेश्चन, 6 - 4 = 2. जब हम 6 में से हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है. यहाँ पे इसमें दिया हो, सब्सट्रैक्शन क्वेश्चंस कैन बी रिटन लाइक दिस टू. हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. एक तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक हम इस टाइप से लिख सकते हैं. तो दोनों की कंडीशन में आंसर जो है आपका सेम ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 and 5. एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 फिंगर्स आप ओपन कर सकते हैं. ठीक है, अपनी 9 फिंगर्स में से आपको 5 फिंगर्स आपको हटानी है, फिर आपके पास जितनी फिंगर्स बचेंगी उतना आपका आंसर होगा. ठीक है, मैंने 9 फिंगर्स आप लोग निकाली अपने अपने हैंड्स में. ठीक है, उसके बाद एक हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, उन 5 फिंगर्स को क्लोज कर लीजिए. दूसरे हैंड में कितनी फिंगर्स बची है आपके पास? 1, 2, 3, 4. द आंसर इज 4. ठीक है, सेम यहाँ पे भी आंसर सेम होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल करो चाहे वो वर्टिकल करो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम रहेगा. सेकंड क्वेश्चन है 4 - 3. एक और तरीका है कि आप लाइंस खींच सकते हैं सिंपली, लेकिन लाइंस आप बड़े नंबर होंगे तो आपको लाइंस लिखने में, कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए मैं फिंगर्स पे कराना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप फिंगर्स पे कर लीजिए, लेकिन लाइन वाला भी मैं आपको बता देती हूँ. 1, 2, 3, 4. इसमें मुझे 3 लाइंस को कट करना है, जितना कि नीचे दिया हुआ, नीचे वाला नंबर. ठीक है, अब मेरे पास कितनी लाइन बची? 1 लाइन बची. तो आंसर इज़ 1. आंसर क्या होगा मेरा? 1. ठीक है, इसी तरह से आप 4 फिंगर्स निकालिए, 4 में से 3 फिंगर्स को फोल्ड कर लीजिए, कितनी फिंगर बची? 1 बची. तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा. ऐसे ही 8 है, 8 फिंगर्स निकालिए, 8 फिंगर्स निकाल ली दोनों हाथों में. उसके बाद आपको 6 फिंगर्स को फोल्ड करना है, कितने फिंगर्स बची आपके पास बताइए? 2. द आंसर इज 2. ठीक है, अब 7 है, 7 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? आपको याद होगा जब हम किसी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है ना. ऐसे ही अगर हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो उसका प्रीवियस नंबर आता है, यानी उसका पहले वाला नंबर. जैसे 7 है, 7 में से मैंने अगर 1 माइनस किया तो 7 का पहला नंबर क्या है? 6 है ना, तो आंसर 6 आएगा. ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. ये हमारा नेक्स्ट पेज है. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है वो आप देखिए. स्कूपी हैज़ सम टॉयज़ टू प्ले विथ. ठीक है, स्कूपी के पास कुछ टॉयज़ हैं प्ले करने के. कैंडी टेक्स सम ऑफ देम अवे, और कैंडी ने उसमें से कुछ ले लिए. सी सम पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सबसेक्शन सब्सटेंस सेंटेंसेस टू फाइंड आउट हाउ मैनी टॉयज़ आर लेफ्ट विथ स्कूपी. ठीक है, यानी कि अब हमें ये यहाँ पे फिंगर्स दे रखे हैं, क्रॉस लगाया हुआ है कि कितने ये जो क्रॉस लगाई हुई पिक्चर्स हैं ये उन्होंने कैंडी को दे दी हैं, और कितने स्कूपी के पास बच गई है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, रीड दी सेंटेंस इन अनदर वे, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने किया हुआ है. देखिए यहाँ पे 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पूरे जो 7 है हमारे पास यहाँ पे ढोल हैं, इसमें से 2 जो हैं वो हमें माइनस करने हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 कट किए हुए हैं, तो कितने बचे? 5 बचे, तो 5 यहाँ पे आंसर आया. 2 < 7, अगर 7 में से 2 लेस कर रहे हैं तो हमारा आंसर 5 आएगा. ठीक है, सेम यहाँ पे 9, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, इसमें से हमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स कट किए हुए हैं, तो हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट बचे?
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने बचे? सिक्स आंसर है। अगर थ्री लेस देन नाइन, नाइन में से थ्री लेस करते हैं तो क्या बचता है? सिक्स। दोनों कंडीशंस में आंसर जो है वो सिक्स ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट है पियानो। ठीक है, यहाँ पे सिक्स है, सिक्स में से थ्री क्रॉस किए हुए हैं तो कितने बचे? वन टू थ्री, द आंसर इज थ्री। ठीक है, एंड थ्री लेस देन सिक्स, यानी सिक्स में से थ्री लेस करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा? थ्री होगा। गिटार है, ठीक है, एट गिटार्स हैं, फोर गिटार्स क्रॉस किए हुए हैं, हाउ मेनी लेफ्ट? वन टू थ्री फोर, आंसर इज फोर। ये सब चीज़ें आप फिंगर में भी आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी पिक्चर में दिया हुआ है, आप फिंगर पे भी ये चीज़ सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, फोर लेस देन एट, अच्छा एट फिंगर निकालिए, एट फिंगर में से फोर फिंगर क्रॉस कीजिए, कितने फिंगर बची हमारे पास? फोर फिंगर। ठीक है, आप फिंगर्स के तौर पे भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। आपको ये दोनों पेज जो है अपने बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं, सेंड मी द वर्क। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन अनदर वे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।